अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल हैं, कैसे हो आप सब? तो यार इस वक्त मैं बैठा हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नुतकानी में, ठीक है, जहाँ पर मैंने 2017 में अपने मैट्रिक एग्ज़ाम दिए थे। और आज सीन इस तरह का है कि मेरे कज़न के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए पढ़े हैं मैट्रिक के, उसका था मैथ का पेपर। तो भाई मुझे कसम से यहाँ बैठा हुआ था तो याद आ गया मुझे, मतलब मैंने कहा आप बीती सुनाते हैं भाई अपनी, ठीक है, हमारे साथ जो हुआ था, हमारे जो मैट्रिक के एग्ज़ाम हुए थे तो उनका कुछ। और इस मैथ का एक ये 9th और 10th में एक ख़ास पेपर है जो मुझे अभी तक याद है, ठीक है। किसी में मतलब कोई ऐसे काम हो जाते हैं जो याद रहते हैं सदियों तक, अभी सदी तो नहीं हुई है, 4-5 साल हुए हैं। तो भाई पेपर हमने भी दिए थे, कभी हम भी तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, पता नहीं कि तुम्हें याद हो ना याद हो, इस तरह का था। तो शेर अभी मुझे भूल गया लास्ट में, सॉरी फॉर देट। तो यार मेरे मैट्रिक के इम्तिहान चल रहे थे, ठीक है, मैथ का पेपर था और वो मेरा 100% हुआ था ड्यू टू सर इफ्तार अहमद दस्ती साहब, ये उनको क्रेडिट जाता है, बहुत ही मेहनती इंसान थे और इतना मारते थे हमें, इतना पीटते थे, कसम से उन्हीं की बदौलत 75 मार्क्स हैं। तो उन बातों को एक साइड पर रखिए, उनका बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो मैथ का पेपर था, यहाँ पीछे एक होती थी कंटीन, ठीक है, और वो सामने एग्ज़ाम हॉल है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सेम इसी जगह से, ठीक है, मतलब इसी एरिया में थी। तो आ रहा था, पीछे एक स्टाफ खड़ा हुआ था, स्कूलों के स्टाफ यहाँ पर रुक जाते थे पेपर के एंड में, हाल वाल लेते, यार हाँ कैसा हुआ पेपर, किसका कैसा हुआ। तो मुझसे पूछा गया, हाँ भाई मैथ का पेपर था 10th का, तो पूछा हाँ भाई पेपर कैसा हुआ हमार, ये और स्कूल का स्टाफ था सर। मैंने कहा बहुत ही अच्छा हुआ। तो उन्होंने कहा भाई नंबर कितने आ गए ये बता। मैंने कहा इंशाल्लाह 100% 75 मार्क्स। और भाई 75 मार्क्स है, ये रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। तो इनका क्रेडिट जैसा मैं आपको बता रहा था सर इफ्तार अहमद दस्ती। और उस वक्त इतना कंपटीशन था ना, जब एक महीना बचता ना हमारे पेपरों में से, तो कसम से हम वहाँ पर स्कूल जहाँ पर पढ़ते थे वहीं पर भी हम रहना स्टार्ट कर देते, और टीचर भी हमारे साथ होते थे, मतलब ये सर हसनैन दस्ती साहब, सर इफ्तार अहमद दस्ती साहब, सर इजाद कैसर कैसरानी बलोच, और सर इफ्तार अहमद दस्ती, सर हसनैन और दीज आर माई फेवरेट टीचर, ये तीनों के तीनों। और इन्हीं की वजह से मतलब ये मार्क्स है, इनके सब्जेक्ट जो थे ना उनमें मैं 100% या 98% मार्क हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये अपना रिजल्ट कार्ड। तो यार मैंने कहा क्यों ना अपनी आप बीती सुना दूं और अपने टीचर को सलूट पेश करूं, लव यू हो गया सब, और इनको मैं मेंशन भी कर रहा हूं तीनों को, ठीक है। तो भाई ये एक अच्छी मेमोरी थी, मैंने कहा इनके साथ शेयर कर दूं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, पेपर का टाइम हो गया है और डिसिप्लिन का भी ख्याल रखना है। पता नहीं मोबाइल अलाउड भी है कि नहीं, मैंने तो बस व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन एग्ज़ाम हॉल बहुत ही पीछे हैं तो इसलिए मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। वो पीछे भी बंदे बैठे हुए हैं, वो दूर हैं, इसलिए अकेले में बैठकर मैंने कहा जल्द अज जल्द बना लेते हैं, ठीक है। जो चीज़ अलाउड नहीं करते उसको छेड़ना नहीं चाहिए यार। मैं यूनिवर्सिटी में भी व्लॉग नहीं बनाता होता। तो चलो वीडियो को एंड करने लगा हूँ, अगर व्लॉग पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।